सो लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन एक्सप्रेस अफेयर्स इस बार के बारे में बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस अफेयर्स के बारे में फूजी टॉक अबाउट द फूजी वाला इफेक्ट तो फूजी वाला इफेक्ट क्या होता है जब दो हरिकेन्स और साइक्लोन्स वेन दे स्टार्ट स्पिनिंग इन द सेम डिरेक्शन तो क्या होता है जैसे कि ये साइक्लोन है सपोज और इधर से एक साइक्लोन आ रहा है एक दूसरे के तरफ आते जा रहा है स्पिन कर रहा है ठीक है तो उसमें जो है कुछ चीजें होती हैं जब उनका इंटरैक्शन होता है सो बेसिकली इंटरक्शन ऑफ टू साइक्लोन स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शंस तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों साइक्लोन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है एक दूसरे के मतलब अगर एक तरफ आप करेगा तो ये इधर आना चाहिए जो डायरेक्शन है इट हैज बी अपोजिट देन ओनली ना दे कम टुगेदर है, है कि नहीं टूवर्ड्सल्व्स इंटरक्शन कैसे पॉसिबल है और एक ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करेगा तो कि नहीं तभी ना जाके दोनों एक जगह पे मिलेंगे सपोज आप अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करोगे तो आप वेस्ट की तरफ मूव करोगे ना मैं गुजरात से स्टार्ट करूंगा मैं ईस्ट की तरफ मूव करूंगा तब ना जाके मैं मिलूंगा अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स इच अदर स्पिन कर रहे हैं बट उनका जो स्पिनिंग डिरेक्शन है एक दूसरे के तरफ आते हैं तो एक कॉमन सेंटर के पास ये जो है एक दूसरे के साथ स्पिन करने लगते हैं अब यहां पर कुछ चीजें हैं दैट यू नीड टू तो अंडरस्टैंड अगर एक साइक्लोन वीक है okay? If one cyclone is weaker,

बोथ साइक्लो आर ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ अगर दोनों साइक्लोन सिमिलर स्ट्रेंथ के हैं सो देर एंड देन डेवलप इन टू ए सुपर साइक्लोन विच विलू डू वॉट विच इज गोइंग टू रेक है so havoc, okay? okay? क्या यह चीज आपको समझ में आ गई डिड यू अंडरस्टैंड दिस प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किसी को डाउट है क्या पूजीवारा इफेक्ट में एनीबॉडी समझ गए ना दो साइक्लोन एक तरफ एक दूसरे के तरफ आएगा दोनों मर्ज करेगा अगर एक साइक्लोन कमजोर है तो दूसरे साइक्लोन उसको अब्सॉर्ब कर लेगा लेकिन दोनों साइक्लोन का इंटेंसिटी एक जैसा है सो दे विल मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ सुपर साइक्लोन ओके साइक्लोन कहो हरिकेन कहो या और क्या कह सकते हो साइक्लोन हरिकेन व्हाट आर द डिफरेंट अदर नेम्स विली विली और ऑस्ट्रेलिया की तरफ विली विली कहते हैं और टाइफून जापान की तरफ क्या कहते हैं टाइफून तो कुछ भी कहो फूजी इफेक्ट जो है लो प्रेशर सिस्टम्स पे बेसिकली बेस्ड है ठीक है और इसके चलते जो है आपका कोस्ट लाइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ठीक है प्राइवेट रॉकेट लॉन्च अग्निकुलजमोज और स्काई रूट एरोस्पेस तो दो कंपनीज है कौन कौन है अग्निकुल कॉस्मोस एक कंपनी है दूसरी है आपकी स्काईरूट एरोस्पेस रॉकेट में कौन है अग्निबान है और विक्रम एस है कौन सा रॉकेट है अग्निबान रॉकेट और विक्रम एस रॉकेट ठीक है अग्निबान जो है इट्स अ सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल सब ऑर्बिटल टेक डेमोन्स्ट्रेटर तो जैसे साउंडिंग रॉकेट था नाइनटीन में इसरो का जो विक्रम सारा भाई ने भेजा था थुम्बा से ओके थुम्बा में क्या है वैसे थुम्बा में क्या है हमारा हमारा इक्वेटोरियल पास होता है कि नहीं इक्वेटोरियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन इंडिया का इक्वेटोरियल यस पास होता है वहां से ठीक है इक्वेटर पास नहीं होता है इक्वेटर नीचे से जाता है हमारे ऑल राइट इक्वेटोरियल लाइन पास होता है वहां से ओके मतलब सिमिलर टू इक्वेटर आप देख सकते हो अच्छा यहां पर जो है कैन यू टेल मी वाई जैसे फ्रेंच गियाना वहां से रॉकेट लॉन्च होता है सो वाई द रॉकेट आर लॉन्च फ्रॉम इक्वेटर वाई द रॉकेट आर लॉन्च फ्रॉम इक्वेटर बिकॉज ऑल राइट जो आप देखिएगा पोल के तरफ जो मूवमेंट है पोल के तरफ जो मूवमेंट है वो 1100 हंड्रेड किलोमीटर पर आर की होती है वेराज इक्वेटर के पास जो मूवमेंट है अर्थ का वो 1600 किलोमीटर का होता है तो जो होती है दे कैन मेक यूज ओके दे कैन मेक यूज ऑफ द एक्सेस राइट एक्सेस फाइव हंड्रेड किलोमीटर का जो पुश मिलता है ठीक है तो एस्केप एस्केप वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है इट इज दैट अमाउंट ऑफ स्पीड इज नीडेड बाय अ रॉकेट और बाय अ बॉडी सो दैट इट कैन बीट द ग्रेविटी ओके ग्रेविटी को बीट करने के लिए ये आपका होता है ठीक है जस्ट लुक एट योर एक बार आप अपने ग्रुप पे देख लो सो so, आपको समझ में आ जाएगा आई हैव सेंटर स्क्रीन शॉट तो वो जो स्क्रीन शॉट है आपको वो बता देगी ठीक है तो इक्वेटर से इसीलिए लॉन्च किया फ्रेंच गियाना आर्यभट्ट जो है हमारा पहला जो सेटेलाइट था ओके सैटेलाइट था तो वो कहाँ से लॉन्च हुआ था आपका आर्यभट्ट जो है आपका कहाँ से लॉन्च हुआ था फ्रॉम वेयर राइट right, तो आप अगर देखिएगा जितने भी लॉन्चिंग है ओके ऑल राइट जितनी भी लॉन्चिंग है वो कहाँ से होती है फ्रेंच गियाना से होती थी उस समय ओके ऑलराइट फ्रेंच गियाना से होती थी और जो हमारा आर्यभट्ट था दैट वाज लॉन्च फ्रॉम समथिंग विच वाज नोन एज कापुस्तिन ओके कापुस्तिन यार ऑल राइट कापुस्तिन यार करके एक जगह है वहां से जो है आपकी लॉन्च हुई थी ठीक है इट्स अ टाउन इन रशिया बट जनरली जो है हमारे मेजर रॉकेट्स ओके मेजर रॉकेट्स जो है वो कहां से लॉन्च होते हैं फ्रेंच गियाना से लॉन्च होते हैं ओके फ्रेंच गियाना स्पेस सेंटर जो है वहां से आपके लॉन्च होते हैं ठीक है ऑलराइट वाई बिकॉज इट इज एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर इट इज एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर और इंडिया का ऑलराइट right, इंडिया का जो है जी सैट करके एक आ, ये था कम्युनिकेशन सैटेलाइट था दैट वाज लॉन्च्ड ओके दैट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम फ्रेंच गियाना ओके यस आर्यन वेरी गुड आर्यन जो है फ्रांस का ही है करेक्ट ऑलराइट ठीक है आर्यन स्पेस किसका है फ्रांस का है करेक्ट ठीक है सो अग्निबान क्या है इट्स अ सिंगल स्टेट लॉन्च व्हीकल सब ऑर्बिटल टेक डेमोंस्ट्रेटर है ये अग्निबान जो है ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो 700 किलोमीटर तक है वहां पर 100 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है ओके और इंजन जो है इट प्रिंटेड सिंगल पीस सिक्स किलो किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है थ्री प्रिंटेड है अग्नि लेट इंजन और सेमाई क्रायोजेनिक है फुली क्रायोजेनिक नहीं है सेमाई क्रायोजेनिक है ओके क्रायोजेनिक so, इंडिया uh, ये इंडिया के पास कोई रॉकेट है क्या जो क्रायोजेनिक यूज करता है क्रायोजेनिक फ्यूल या क्रायोजेनिक इंजन यस जी यूज करता है यूज करता है क्रायोजेनिक हमने पढ़ा था याद होगा और क्या यूज करता है क्रायोजेनिक इंजन तो क्रायोजेनिक इंजन आपका दो चीज यूज करता है दैट इज एलओ और एल लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन इसीलिए मुश्किल है बिकॉज इनके जो कंबशन है इसको कंट्रोल करना ओके इसको कंट्रोल करना मुश्किल है अभी इसरो जो है एलो एक्स केरोसिन पे काम कर रही है ओके एलोएक्स केरोसिन जो कि एलवीएम थ्री में यूज होगा ऑल राइट दैट्स वाई जीएसएल हैज अ हायर वाई पी एस एल वी इज कॉल्ड द वर्क हॉर्स एंड जीएसएलवी इज कॉल्ड द बैड बॉय ई पी एस एल वी रॉकेट इज कॉल्ड द वर्क हॉर्स एंड ए जीएसएल इज कॉल्ड द बैड बॉय बिकॉज पी एस एलवी जो है उसमें क्रायोजेनिक एंजन नहीं है सिंपल मैकेनिज्म है फोर स्टेज मैकेनिज्म कूल हार्ड कूल हार्ड है ना सॉरी लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड ऐसे करके है ना आपका सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड यस इस तरीके से बना हुआ है मतलब एक स्टेज सॉलिड है तो दूसरा स्टेज लिक्विड है एक स्टेज सॉलिड है तो दूसरा स्टेज लिक्विड है तो उसमें क्या है इसीलिए पीएसएलवी फेल नहीं होती है वेयर एज जीएसएलवी के बारे में क्या है क्रायोजेनिक है लेकिन व्हाई देन जीएसएलवी फिर पीएसएलवी पे व्हाई वी आर नॉट स्टिकिंग बिकॉज़ जीएसएलवी कैन कैरी मच मच ग्रेटर लोड टू अ मच लार्जर डिस्टेंस हेवी पेलोड हेवी लॉन्ग डिस्टेंस ओके आपका कौन सा जीएसएलवी से क्या लॉन्च हुआ था जीएसएलवी से क्या लॉन्च हुआ था आपका जितने भी मेजर मिशंस है इसरो के चंद्रयान वगैरह चंद्रयान वगैरह किससे लॉन्च हुआ है आपका वॉज इट जीएसएलवी और पीएसएलवी है ना जितने भी हैं करेक्ट तो लॉन्ग डिस्टेंस मिशन कराना है जीएसएलवी शॉर्ट डिस्टेंस मिशन कराना है पीएसएलवी पीएसएलवी लोअर फेलियर रेट जीएसएलवी हायर फेलियर रेट यहां पर क्या है अग्नि लेट इंजन अग्निबान जो रॉकेट है उसका अग्नि लेट इंजन है दैट इज थ्री डी प्रिंटेड सो वट इज द प्रॉब्लम विद्री डी प्रिंटिंग यह यूपीएससी आपसे पूछ सकता है अभी यह जो है थ्री प्रिंटिंग न्यूज में है तो इसका प्रॉब्लम क्या है मास प्रोडक्शन यू कैन नॉट डू मास प्रोडक्शन नो मास प्रोडक्शन इज पॉसिबल ऑल राइट ऑल राइट ठीक है इसमें जो है इसमें जो है आपका नहीं ठीक है आपका नहीं ये है कि जैसे कि मान लिया मोल्ड बना दिया आपने अगर आपने मोल्ड बना दिया तो आप मास प्रोड्यूस कर सकते हो इन द इन फैक्ट्री एज यहां पर क्या होगा अगर थ्री प्रिंटिंग से कराओगे तो आपको मोल्ड के यूज करके आप नहीं कर सकते हो बिकॉज थ्री प्रिंटिंग में क्या होता है स्केल का प्रॉब्लम है वहां पर जो है हर चीज जो है आपको फिर से बनानी पड़ेगी फिर से डिजाइन करना पड़ेगा और फिर जाके वो आपका

जून 2020 में क्या हुआ था जून 2020 में इन स्पेस का क्रिएशन हुआ था ताकि ग्रेटर प्राइवेट कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन हम लोग इंडिया के स्पेस एक्टिविटी में देख सकते थे और मान लिया कि अगर इसरो को कोई कमर्शियल ठेका लेना है कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो क्या करेगा इसरो एंथ्रिक्स को यूज करेगा तो याद रखिएगा एंथ्रिक्स जो है अंतरिक्ष से एंथ्रिक्स बना ये इसरो को जो है इसरो को जब कोई कमर्शियल ठेका लेना होता है जब कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है तब वो एंथ्रिक्स यूज करेगा इन स्पेस क्यू है ताकि इसरो जो है प्राइवेट सेक्टर को गाइड कर सके इसरो जो है प्राइवेट सेक्टर को गाइड कर सके ताकि इसरो का बैंडविथ अप हो पाए फॉर कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो रूटीन के काम है जैसे वेदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो जो है आपके प्राइवेट सेक्टर छोड़ पाए समझ रहे इसरो जो है देन इट कैन फोकस ऑन मंगलयान चंद्रयान शुक्रयान एंड यू नो बुधयान शनियान वेर आज अभी के डेट में प्रॉब्लम क्या है इसरो का सिक्सटी सेवेंटी परसेंट जो रिसोर्सेज है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट और इन बाकी सब में पैसा वेस्ट हो रहा है ओके okay? पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसका मतलब हंड्रेड परसेंट जो है पैसा वो सेंटर देगी तेरह हजार करोड़ अप्रोक्सीमेटली डेढ़ दो बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है आपका ओके इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ डेढ़ वन पॉइंट फाइव टू बिलियन डॉलर्स और ये जो है इसका फोकस कहाँ रहेगा ट्रेडिशनल आर्टिजन प्रैक्टिसिंग आर्ट एंड वर्क अक्रॉस एटीन प्रोफेशन जिसमें क्या क्या है राजमिस्त्री जो फिश नेट्स बनाते हैं जो आपके मूर्ति वगैरह बनाते हैं गार्लैंड बनाते हैं उस टाइप के जितने भी प्रोफेशन है जो ट्रेडिशनल टॉयज बनाते हैं वो सारे प्रोफेशनल एटीन प्रोफेशन की लिस्ट है उनको हेल्प मिलेगा इसमें क्या होगा फ्री रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा वर्कर्स को कॉमन सर्विसेज सेंटर ओके उसमें यूजिंग द बायोमेट्रिक बेस्ड विश्वकर्मा पोर्टल तो बायोमेट्रिक बेस्ड होगा विश्वकर्मा पोर्टल और उसमें सी में कॉमन सर्विसेज सेंटर जो है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो जो पोर्टल बनेगा जो पोर्टल बनेगा आपका वो इट विल बी रन बाई कॉमन सर्विसेज सेंटर ठीक है वट इज सर्विसेज सेंटर, दिस इज इज रन मिनिस्ट्री, इट इज रन बाय मेथी कॉमन मेथी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो मेथी जो है इसको चलाता है दीज़ आर बेसिकली फिजिकल फिजिकल सेंटर्स फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई सर्विसेज टू रूरल एंड रिमोट लोकेशन ओके तो इसमें क्या होता है बेसिकली किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ अप करके किसी प्राइवेट मान लो कि कोई कंप्यूटर uh, की शॉप है गांव देहात में तो उसी को जो है कॉमन सर्विसेज सेंटर बना दिया जाएगा और राइट उसको जो बोला जाएगा कि आप हेल्प कीजिए फार्मर्स वगैरह की जैसे ये पीएम विश्वकर्मा है उसकी आप हेल्प कीजिए ठीक है और वो क्या करना है जो सेंटर का ओके okay, जो सेंटर का uh, जितनी भी ई e सर्विसेज है उसको एग्जीक्यूट करेगा थ्रू अ फिजिकल सेंटर provisions to registered user क्या अगर मान लिया कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना में इफ यू आर रजिस्टरिंग तो क्या होगा आपको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दी जाएगी आपको क्या दिया जाएगा पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा कोलैटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट अप टू तो रुपीज लाख तो एक लाख रुपए तक का आपको कोलैटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा किसी भी टाइप का आपको घर वर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है विदाउट एनी कोलैटरल लाख रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे दूसरा ट्रांस क्या होगा दो लाख रुपए ओके दो लाख रुपए आपको मिलेगा पांच परसेंट के अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट पे बाहर में लोन लेने जाइएगा बिजनेस लोन दस से पंद्रह पे आपको मिलता है फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंक आपको पीएम विश्वकर्मा में दो लाख रुपए का लोन देगा ताकि आप मार्केटिंग कर पाए अपना और डिजिटल ट्रांजेक्शन सेटअप कर पाए डिजिटल ट्रांजेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए आपके बिजनेस के लिए आपको दो लाख रुपए तो टोटल तीन लाख रुपए जिसमें से एक लाख रुपए आपको खटाखट फटाफट वाले सिस्टम से मिलेगा ऑल राइट और दो लाख रुपए जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन यस एक्सक्लूसिवली इससे आप अपना ये बच्चे का बर्थडे वगैरह और बेटी की शादी नहीं कर सकते ओके इससे आप सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन और मार्केटिंग कर सकते हैं दैट दैट जो है आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये इसको पैसा देना जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर वेबसाइट बनाना है तो उसमें चालीस पचास हजार रुपए जो है आपको वेबसाइट और डिजिटल ट्रांजैक्शन उस पर लगाने के लिए लगता है ना इंडियन पिनल कोड के बारे में बात करते हैं तो दिस इज आई होप पी विश्वकर्मा इज क्लियर यस इंडियन पिनल कोड जो है इट वॉज इनएक्टेड इन एटीन सिक्सटी इंडियन पेनल कोड जो है 1860 में उसको इनैक्ट किया गया था एंड इट वाज इनैक्टेड ऑन द गाइडेंस ऑफ थॉमस बैबिंगटन मकौले और ये जो है 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो लॉ कमीशन बना था ओके okay, ये मेटकैल्फ के समय था अगर आपको याद होगा ये किसके समय था मेटकैल्फ uh, के समय था मेटकैल्फ जो आए थे इसके बाद ऑलराइट right, और इसके इसके इससे पहले कौन था ये जो इसके पहले कौन था मेटकैल्फ वॉर्स है ना मेटकैल्फ इज ऑल्सो नोन एज वॉट लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस है ना और उसके पहले कौन था विलियम बेंटिक थे कौन थे? William थे, करेक्ट सो so, ये जो है आपका लॉ कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट पहले ही दे दी थी काफी पहले दे दी थी ऑल राइट ही और उसके बाद Uh, ये जो थे आपके एटीन थर्टी फाइव में मेटकैल्फ साहब आए थे right? तो उस समय जो है आपका इनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी सो हु वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इट वाज़ विलियम बेंटेक ओके बिकॉज वाई बिकॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैसे बन गए पहले hmm? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कैसे बन गए बिकॉज 1833 चार्टर एक्ट में ये बोला गया था दैट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी कॉल्ड कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यस ओके नाउ हुआ क्या कि इसके बाद एलेन बरा आए थे और डलहाउजी आए ऑकलैंड आए है कि नहीं ऑकलैंड एलनबरा और डलहाउजी सो ये तीनों ने क्या कहा कि जरूरत नहीं है तीनों ने क्या कहा कि पीनल कोड की जरूरत नहीं है बट आफ्टर द 1857 दिफ्टी सेवन नीड्स टू बी कोडिफिकेशन देयर नीड्स टू बी ओके तो इसीलिए क्या किया गया 1860 में फाइनली जो मकौले केस एक साल के मरने के बाद मकौले डाइड इन 1859 फिफ्टी नाइन ही गेव हिज रिपोर्ट इन एटीन थर्टी फाइव थर्टी सिक्स और उसके अप्रोक्सीमेटली पच्चीस साल के बाद जो है एग्जीक्यूट किया गया और मकौले के थ्रू आईपीसी जो है वो डाला गया मकौले वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड मकौले वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड ठीक है और लीगल ऑफ टाइम अब हम बात करते हैं यूरिया के बारे में सो so, इंडिया जो है वो अपनी यूरिया डिमांड को क्या करता है इंपोर्ट करता है इसको याद रखिएगा नॉर्मल यूरिया में फोर्टी सिक्स परसेंट जो है सिर्फ नाइट्रोजन होता है अब यूरिया गोल्ड करके एक नया यूरिया आया है मार्केट में जो इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है उसमें नाइट्रोजन कम रहेगा नाइट्रोजन जो है वो कम रहेगा थर्टी सेवन परसेंट रहेगा और सल्फर ज्यादा रहेगा सत्रह परसेंट क्यों क्यों रहेगा भाई बिकॉज सल्फर जो है इंडियन जो है इंडियन सॉइल इट इज डेफिशियंट इन सल्फर एंड बिकॉज इट इज डेफिशियंट इन सल्फर ऑयल सीड्स और पल्सिस बोथ ऑफ विच इंडिया इंपोर्ट इन लार्ज क्वानिटी इंपोर्ट इन लार्ज क्वांटिटी दोनों में इंडिया का प्रोडक्टिविटी लो जाता है बिकॉज सल्फर की जरूरत है ऑयल सीड्स और पल्सिस के लिए ठीक है बियरली थर्टी फाइव परसेंट ऑफ नाइट्रोजन अप्लाइड थ्रू यूरिया इन इंडिया इज एक्चुअली यूटिलाइज बाई क्रॉप टू प्रोड्यूस हार्वेस्ट ईल्ड तो पैंतीस परसेंट मान लिया कि हंड्रेड ग्राम आप अगर यूरिया डाले या हंड्रेड एम लिक्विड यूरिया डालो आप ठीक है तो क्या होगा उसमें से थर्टी फाइव एम या थर्टी फाइव ग्राम ही यूटिलाइज होगा बाकी का 65 जो है इट विल इट इज अन अवेलेबल टू प्लांट्स एंड मच ऑफ इट इज लॉस्ट थ्रू द रिलीज इन टू एटमोसफेयर और लीचिंग बिलो ग्राउंड तो ग्राउंड वाटर में चला जाता है नाइट्रेट बनके क्या बनके नाइट्रेट बन के ग्राउंड वाटर में चला जाता है ठीक है यस एनबीएस स्कीम क्या है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम ओके मतलब आपको सब्सिडी मिलेगी किसके बेसिस पे किसी मैन्युफैक्चर मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं किसी यूरिया गोल्ड या किसी इस टाइप के प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं मिलेगा आपको किसके बेसिस पे मिलेगा एनबीएस के बेसिस पे मिलेगा व्हाट इज दैट एनबीएस मतलब न्यूट्रिय के बेसिस पे उसमें कौन कौन से न्यूट्रिय है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास क्या हो रहा है यहां पर यह हो रहा है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास और सल्फर के बेसिस पे न्यूट्रियंट मिल रहा है सो मैन्यूफेक्चरर्स आर इंक्रीजिंग द न्यूट्रिय कॉन्टेंट इन देयर फर्टिलाइजर्स ओके टू गेट सब्सिडीज ओके सो दैट उनका ज्यादा बिकेगा ऑल राइट डैप क्या होता है एनी बडी रिमेंबर्स हमने डैप के बारे में भी बात किया था एनीबडी रिमेंबर्स अबाउट डैप फर्टिलाइजर वॉट इज डाईमोनियम फॉस्फेट डाईमोनियम फॉस्फेट तो पहले क्या था डाईमोनियम फॉस्फेट जो है उसके सब्सिडी को क्या कर दिया था उसके सब्सिडी को डी रेगुलेट कर दिया था ऑल राइट right. लेकिन अब फिर से वापस से उसके सब्सिडी को जो है वापस ले आया ठीक है थीके? सब्सिडी जो है उसको वापस ले आया है और उसके वजह से डैप का भी डायमोनियम फॉस्फेट का भी बढ़ गया यूजेज ठीक है ऑल uh, राइट right, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर किसके अंदर काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो किसके अंदर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंदर ओके मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंदर काम करता है ठीक है ऑल राइट right, तो मैंने आपको एक आ, आर्टिकल भेजा है आप उसको जरूर से पढ़ना डू रीड ओके डू रीड अपॉन दैट आर्टिकल और जितने भी मैंने आर्टिकल भेजे हैं आप थोड़ा सा समय निकालो नेक्स्ट सेवन डेज में जितने भी मैंने आपको आर्टिकल्स भेजे हैं इन द पास्ट थ्री मंथ्स उसको जरूर से एक बार रीड कर जाना ठीक है अब हम बात करते हैं इको वॉर्स के बारे में इको वॉर्स क्या है ये लेगॉस ट्रीटी के अंदर लेगॉस इज इन नाइजीरिया ये याद रखिएगा लेगॉस ट्रीटी के अंदर आपका इकोवास जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था यूपीएससी आपसे पूछ सकती है इकोवास है या अफ्रीकन यूनियन है या साहेल यूनियन है कुछ ऐसा आप बना के आपको दे सकती है ओके okay? तो ये इकोवास का मेन मुद्दा क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा इकोवास जो है इट वांट्स टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या करना चाहता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहता है देयर आर टोटल 15 मेंबर्स जिसमें बेनिन बुर्किना फासो गिनी गिनी बिसाऊ लाइबेरिया माली नाइजर नाइजीरिया सिएरा लियोन सेनेगल टोगो गाम्बिया आइवरी कोस्ट केप वर्ड और घाना इसमें से केप वर्ड क्या है केप वर्ड इज एन आइलैंड कंट्री जैसे मॉरिशस है इंडियन ओशन में बट इट इज पार्ट ऑफ अफ्रीका ये अटलांटिक ओशन में आपको मिलेगा ये जो केप वर्ड है केप वर्डे है आपको अटलांटिक मिलेगा ठीक है इसमें से कौन कौन सस्पेंडेड है दोस्त इसमें से जो है माली माली से याद रखिएगा आपके घर के गार्डनर को सस्पेंड कर दिया आपने तो माली इज सस्पेंडेड देन देन गिनी सस्पेंडेड बुरकीना फासो इज सस्पेंडेड ओके और नाइजर में रिसेंटली इसको भी हटा दिया गया वाई बिकॉज यहां पर भी कू हुआ था विजन ऑफ इकोवास इकोवास का विजन क्या है बॉर्डरलेस रीजन इन वेस्ट अफ्रीका ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सिंगल करेंसी बनाना चाहता है लॉन्ग टर्म में ओके okay, क्या करना चाहता है सिंगल करेंसी जो है बनाना चाहता है लॉन्ग टर्म में और उसके लिए क्या कर रहा है उसके लिए क्या कर रहा है इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट की स्टेबिलिटी रहे इकोमॉग क्या है इकोमॉग इज इकोवासिस रीजनल पीस कीपिंग यूनिट व्हाट इज इकोमॉग इट इज इकोवासिस रीजनल पीस कीपिंग यूनिट ठीक है और ये जो है मल्टीपल कंट्रीज में ओके मल्टीपल कंट्रीज में जो है इसको भेजा गया था ताकि एक तो ट्रांजिशन अच्छे से हो पाए ठीक है क्या हो पाए ट्रांजिशन अच्छे से हो पाए बिटवीन डेमोक्रेसीज डेमोक्रेसी मेंटेन रहे कोई भी कंट्री मना ना करे ऑल राइट ठीक है कि मैं पावर नहीं ढेरूंगा दे, दे, ठीक है पार्लियमेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रिविलेज कमिटी सो लेटे टॉक अबाउट इट, ये अधीर रंजन चौधरी पे न्यूज आया था उनके बेसिस पे था ये, और राघव चड्डा वाला न्यूज़ आपको याद होगा कन्वेंशन so, यह क्या है पार्लियमेंट्री प्रिवलेजेस दे मिक्स ऑफ प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट उस प्रोसीजर्स एंड कन्वेंशन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोटेक्ट देस्ट एंडर सिविल केसेस ड्यूरिंग ए पार्लियामेंट्री सेशन एंड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड बिफोर इट बिगिन एंड एंड तो ये जो है प्लीज रिमेंबर पार्लियामेंट्री प्रिवलेजेस जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ

and for a specified period before it begins and ends, okay. Authorities have to immediately inform the Speaker of Lok Sabha or Chairman of Rajya Sabha about the arrest and detention of the convict. तो अगर आप किसी MP या MLA को छोड़ते हैं, detain करते हैं, पकड़ लेते हैं, तो आपको तुरंत जो है Speaker of Lok Sabha या Chairman of Rajya Sabha को बताना पड़ेगा। यहां पर क्या बोल रहा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन पर सिविल केसेस में ड्यूरिंग ए पार्लियामेंट्री तो किसी की जमीन हड़प ली आपने किसी का कुछ कर दिया आपने किसी का डिफेमेशन कर दिया कुछ कर दिया ये सब आप सब बचे रहेंगे ठीक है जब तक पार्लियामेंट सेशन में है और उसके थोड़े दिन पहले से ताकि आप विदाउट फियर ओके आप जो है विदाउट फियर काम कर सके उस ऑफ पार्लियमेंट इज द गार्डियन ऑफ इट्स ओन प्रिवलेज अपने प्रिवलेज का गार्डियन खुद है देर इज नो कोर्ट देर इज नो गवर्नमेंट देर इज नो प्रेसिडेंट ओके हु प्रिवलेज दाउस ऑफ द पार्लियमेंट इज रिस्पॉन्सिबल इट सेल्फ एनी ब्रीच ऑफ प्रिवलेज इज एग्जामिंड बाई ए प्रिवलेज कमिटी कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिवलेज है जो भी ब्रीच ऑफ प्रिवलेज होता है वो प्रिवलेज कमिटी एग्जामिन करती है एंड द कमिटी रिकमेंड कोई दाउस यहाँ पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल एम पी क्या करेगा इंडिव्यू इंडिविजुअल एम पी इज गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रीच ऑफ प्रिवलेज और उसके बाद वहां पर जो है डिसाइड करेगा वेदर इट इज वर्दी टू सेंड दिस कंप्लेट टू दिवलेज कमिटी और ग्रेअर केसेज में एक्सपल्शन भी और एक्सपल्शन सिर्फ एक बार रिकमेंड किया गया था नाइनटीन सेवेंटी एट में इंदिरा गांधी का ओनली इंदिरा गांधी जो है उनका जो है एक्सपल्शन uh, बोला गया था कि इसको इनको एक्सपेल कर दीजिए जो कि बाद में 1980 में 1980 जब नई लोकसभा आई थी उसने वापस ले लिया था बिकॉज़ उस समय इंदिरा गांधी पावर में आ गई थी ऑफ़ ऑफिशियल लैंग्वेज सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट डज नॉट लिस्ट एनी लैंग्वेज एज इंडिया नेशनल लैंग्वेज प्लीज रिमेंबर देर इज नो नेशनल लैंग्वेज वॉट्सो एवर ओके आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है और ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाता है इंडिया का हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ओके हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में बनाता है आर्टिकल 343 फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस शैल आल्सो बी ओके हिंदी हिंदी वाला जो है आपका ऐसे होता है ना चार कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं चार और पांच कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना और छे कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं और सात कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना आठ कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं देखो मेरे को सब आता है ओके आई हैव रेड हिंदी तो थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है मेरे को भी आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन जो है ये क्या बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज विदाउट इंटरफेरिंग विधइट एंड एक्सप्रेशन इसका मतलब क्या है मतलब यह है कि आपको हिंदी लैंग्वेज प्रोमोट करना है लेकिन इतना प्रमोशन में मत खो जाना कि हिंदी लैंग्वेज का ओरिजिनल फॉर्म आप चेंज कर दें टू सूट अदर पीपल हिंदी शुड बी प्रोमोटेड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म विथ इट्स ओरिजिनल स्टाइल एंड एक्सप्रेशन ओके आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री क्लॉस टू क्या कहता है फॉर अ पीरियड ऑफ पंद्रह साल हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जो है वो ऑफिशियल यूज कर सकते हैं लोग और ये जो पंद्रह साल का टेन्योर था उसको क्या कर दिया गया कंटिन्यू किया गया है आज तक थ्रू द्री ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट तो एक स्टैट्यूटरी लॉ से पहले ध्यान से समझो थ्री फोर्टी थ्री क्लॉस टू में क्या बोला गया ठीक है हिंदी सभी अभी सभी नहीं जानते सर्टन नंबर ऑफ पीपल स्पीक तो तब तक पंद्रह साल तक जब तक सारे लोग लर्न नहीं कर लेते हम लोग अंग्रेजी को भी ऑफिशियल परपज के लिए अलाउ करेंगे ऑफिशियल okay? परपज के लिए अलाउ करेंगे लेकिन तब तक जो है हिंदी को प्रमोट करना ताकि वो लिंग्वा फ्रेंका बन जाए देश का और पंद्रह साल जो है फिफ्टीन ईर ईयर पीरियड वॉज कंटिन्यूड फिर बाद में देखा गया कि यार ये तो हाथ से निकल गई है बात पीपल आर नॉट रेडी टू लर्न हिंदी सेट की हम एक स्टेटरी लॉ लाते हैं दैट इज दैंग्वेज एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री उसके सेक्शन थ्री से जो है सेक्शन थ्री से जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इंग्लिश जो है पंद्रह साल के बाद भी आज भी कंटिन्यूड है ठीक है लैंग्वेज टू बी यूज इन कोर्ट ज दैंग्वेज दैट इज टू बीज इन कोर्ट आर्टिकल थ्री फोर्टी एट क्लॉज वन क्या कहता है जितनी भी प्रोसीडिंग्स है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो किससे होगी अंग्रेजी में जब तक पार्लियामेंट दूसरे को लॉ ला के कोई स्टेटरी लॉ ला के इसको चेंज ना कर देके आर्टिकल थ्री फोर्टी एट क्लॉस टू परमिट द यूज ऑफ हिंदी क्या करता है हिंदी का यूज जो है उसको परमिट करता है और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर ऑफिशियल इन आप हिंदी यूज कर सकते हैं और कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट उसको यूज कर सकते हैं लेकिन आपको किसका ऑथराइजेशन चाहिए गवर्नर का और प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए लेकिन आफ्टर यू हैव मेड योर केस इन हिंदी

ओनली आफ्टर ओनली आफ्टर ऑथराइजेशन बाई गवर्नर एंड द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट क्या यह बात क्लियर है सभी को सो so इसी तरीके से आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है एक और अपडेट आएगा आपका तो आपका जुलाई अगस्त जो है आज आदि खत्म हो जाएगा ओके